ये नजारा है गोरखपुर के जागेश्वर पासी चौराहे का, जहां आज सुबह जो नज़ारा देखने को मिला वह नारी शक्ति का एहसास कराने के लिए काफी है। सुबह सवेरे झाड़ू महिलाओं के हाथों में घर की साफ सफाई के लिए होती है, वही झाड़ू आज इलाके की सफाई के लिए था। दरअसल क्षेत्र के अंग्रेजी शराब और बियर की नई दुकान खुल रही है। महिलाएं पहले ही वहां चल रही देशी शराब की दुकान से आजीज है, उनका घर से निकलना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने कहा अब बहुत हो चुका, अब नहीं सहेंगे और चल पड़ी अपनी शिकायत दर्ज कराने गोरखनाथ मंदिर की तरफ। यहाँ पर सब लोग लड़की औरतें हैं, बाजार हाट यहाँ पर लगता है, हर आदमी जो है जाता आता है, हर दिक्कत है, पेशाब करते हैं सब, पी पी के गाड़ी गरोजा करते हैं, हर दख गंदी आदत निकलते हैं वो सबके मुँह से। हम लोग धरना दिए हैं कि यहाँ पर शराब गद्दी नहीं खुलेगा, उसके लिए हम लोग हटाएंगे। अब यहाँ पर शराब गद्दी नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। अब हम लोग के एकदम बहुत दिक्कत आने जाने में, बेटी बहू है हम लोग के तब बीत गया, अब बेटी बहू जो है यही रास्ता है तो हर तरह सही है। राधे श्याम रावत के मकान है, सवा सत शराब गद्दी नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। जागेश्वर पासी चौराहे गोरखपुर मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही मुख्य मार्ग पर है। लोगों का कहना है कि आज के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस रास्ते से गुजर रहे हैं, ऐसे में उनको आस है कि उनके रहते यह शराब की दुकान नहीं खुलेगी। अगर इस विरोध के बाद भी कुछ नहीं होता है तो वो डीएम कार्यालय पर आंदोलन करेंगी। बताया जा रहा है कि जहां दुकान खुल रही है वो मकान बीजेपी के पार्षद का है, ऐसे में लोगों को मनमानी का भी आरोप लगाया जा रहा है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री इस पर क्या निर्देश देते हैं। नेक्स्ट नाइन न्यूज के लिए गोरखपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़।